स्वाति, टीवी फ्रिज ऐसी सब बंद करो, पानी भरना है, पानी खत्म हो गया। विप्रा पंप कम वोल्टेज में भी देता है भरपूर पानी। हाई क्वालिटी, लो मेंटेनेंस एंड इजी रिपेयर सिस्टम, ISO सर्टिफाइड विप्रा पंप्स एंड मोटर्स। कैमूर जिले में चांदी ठग गिरोह का मुख्य सरगना तासीर धोबी गिरफ्तार किया गया। अब इस गिरोह के 6 लोग फरार बताए जा रहे हैं। इनके पास से 104 चांदी के सिक्के, 1,20,000 रुपए नकद, जबकि 7,30,000 रुपया जाली नोट बरामद किया गया है। मामला चांद थाना के खरौली गांव का है। बताया जाता है कि 10 माह पहले भदोई के व्यवसायी ने चांद थाने में एक मामला दर्ज कराया था कि चांदी बेचने के नाम पर हमसे 85,000 लूट किया गया है। पुलिस मामले को लेकर जब पहुंची तो 104 चांदी के सिक्के के अलावा नकद और जाली नोट बरामद किया। पूर्व में भी 3 मामले में तासीर फरार चल रहा था, जिसको लेकर आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं कैमूर SP ने बताया कि 1 साल पहले चांद थाने में एक मामला आया था, चांदी बेचने के नाम पर 85,000 रुपए की लूट की गई थी, जिसको लेकर पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया था, जबकि गैंग के 7 लोग फरार चल रहे थे, जिसमें आज एक को गिरफ्तार किया गया। लोगों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जो 6 फरार बताए जा रहे हैं। लोगों को पुराने सिक्के का लालच देकर अपना शिकार बनाते थे और फिर फरार हो जाते थे। 10,000 रुपया 20,000 रुपया किलो चांदी लेवे आवन दलाल के, दलाल भेजे न काम, और जन तन 10-20 हजार के लालच में पर जी हलवाजी इतना है, ऐसे है का कहत रहला कौची लेके सोना चांदी के सिक्का देके का कहत रहला सिक्का। हाँ तो का बोलत रहला इसे उधर बोलल जाला कि कितना माल भैया हमरे के न हाँ। मतलब माल मतलब कौची वो चांदी है, चांदी के सिक्का लोग लालच में आए जी। हाँ बाहर ले हम तो अनपढ़ आदमी, एक दूसर कोई काम लिया वाला वह काम लिए हैं, अपन ले के आधा चल जी हैं, आधा में 10,000 से 4,000 जौन अटी तब ना मिला। पैसा छीन के फूल आता था, पैसा लगे तो तुम लोग क्या करते थे उसके साथ? साहब कोनो ऐसा पार्टी मिल जाने की बात जानी, कोनो रही सोना दे देना बेचारा खुशी से गिला से अच्छा जाके ले ले आ जा। अच्छा बस यह बात है साहब। कितने दिनों से हम साहब कब हो ना कर हम गधा लादत रही, बाकी अब कह तो साहब लोग हमके डाटल मनोज राम हम सिखो दे। कै बरस से करते हो? साल भर से, साल डेढ़ 2 साल। कितने लोग को ठगे हो अभी? हम 3 आदमी के साहब ठग ले खा, और वो 2 काम फेर दिले एकदम। तो पहले गधा चलाते थे मैंने भट्टा पर गधा लाते, मतलब पहले गधा को गधा बनाता था, आदमी को गधा बनाता था, आदमी को गधा बनाता है ना। वो 1,500 मिल जाता रहा तो हो गए के होकर का किस्मत खराब बात। क्या नाम है तुम्हारा? वहाँ तस्वीर नाम कहाँ खरौली बैठा जी है जी जी। 20 साल पहले का मामला है, एक खरौली गांव है चांद थाने में, जहाँ पर एक यूपी के व्यापारी आके सूचना दिए थे कि उनसे 85,000 रुपये छीन लिए गए। जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि एक गैंग है वहाँ जो चांदी के सिक्के, पुराने सिक्के दिखा करके और बहुत कम दाम में देने का लालच दे करके, ये हमको मिट्टी में गड़ा हुआ मिला या और कुछ मिला, व्यापारियों को बुलाती है और जो लालची आदमी है इस धंधे में फंसते और वहाँ उनका पैसा छीन करके पहाड़ी में भाग जाते हैं। ये इसी सूचना पर फिर पुलिस अनुसंधान में छापामारी की गई थी खरौली गाँव में, तो एक तहसील के घर से उसका बेटा पकड़ा गया था और वहाँ जो गैंग है उसके ठिकानों से 1,30,000 के जाली नोट, 1,20,000 नकद और लगभग 104 पुराने चांदी के सिक्के बरामद किए गए। उसमें ये जो मुख्य सरगना है उसमें पिंटू गिरी और तासीर धोबी, जिसमें रात में, कल रात में तासीर धोबी की गिरफ्तारी हुई है। ये 3-4 कांडों में, इस तरह के और कांडों में पहले से भी आरोपित रहा है या फरार चल रहा था, अभी इसको जेल भेजा। इस तरह के कांड में इसका बेटा भी संलिप्त था? हाँ बेटा भी था। बोल रहा है सर, एक चीज़ और बताइए, बता रहा है कि बिहार सरकार के मंत्री, खनन मंत्री, उनके भतीजा को भी ठगी किया गया। उस तरह का अभी हम लोग के पास कोई मामला आया नहीं है, पुराना मामला होगा मेरे सामने ऐसा कोई चाहे थे जिसके सफर होगा। कई लोग यही धंधा करते, उसमें एक महिला भी शामिल है जिसको मामी मामी के नाम से मशहूर है, मतलब पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से ये लोग ठगी का काम करते। सही तो बता रहा है कि मेरे गांव में आधा गांव यही काम ठगी। अरे बता, गांव ही इस तरह का, उसमें कई लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व।
जल ही जीवन है और इस जल के लिए आपका हमारा हम सभी का साथी विप्रा पंप्स, बिजली की कम खपत के साथ लो मेंटेनेंस और चले सालों साल। विप्रा पंप्स, बूंद बूंद में जीवन।